तो फ्रेंड्स, अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाके डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य, तो वहाँ पा सकते हैं आप सभी अपडेट्स मेरे कोर्सेज के बारे में, देख सकते हैं मेरे सारे लेसन्स और स्लाइड्स डाउनलोड करके देख सकते हैं उनको ऑफलाइन। तो अभी कीजिए डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप। माय चैनल, मैं हूं प्रतीक्षा। 18 नवंबर 2018 को पेपर वन सुबह की शिफ्ट में हो चुका है। अब आपके सामने संस्कृत की आंसर की पेश हो रही है, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी और एनवायरनमेंट की आंसर की ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। अगर आपने अभी तक आंसर मैच नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप सभी सब्जेक्ट सभी पार्ट की आंसर की भी देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के सही आंसर्स, और जान सकते हैं कि यूपी टेट में आप पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे या कितने मार्क्स आपके होंगे, जिसके ज़रिए आप आने वाली सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं संस्कृत की आंसर की, कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता। तो ये जो आंसर की है, ये जो सीरीज़ है वो है ऑप्शन डी, यानी कि बुकलेट सीरीज़ डी है। अगर आपकी डी है तो आप इसी के अकॉर्डिंग चलिए, और अगर आपकी सीरीज़ जो है वो ए बी या सी है तो आप को क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, थोड़े क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे तो ज़्यादा अंतर नहीं है। तो क्वेश्चन जो 61 है वो है, कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता। सही जवाब है ओ, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, संयुक्त प्रधान सूत्र किस विभक्ति का बोधक है। सही जवाब ऑप्शन 1, तृतीया विभक्ति। नेक्स्ट है, बालकावपि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। सही जवाब ऑप्शन 2, बालकौ धन अपि। अगला प्रश्न है 64, बगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन 3, वकह। नेक्स्ट है, हरे क्रुध्यति में हरे में कौन सा कारक है। सही जवाब ऑप्शन 1, संप्रदान कारक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 66 क्वेश्चन नंबर, अस्मत शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप है। सही वचन है ऑप्शन 3, नहा। नेक्स्ट है, रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप है। सही आंसर है ऑप्शन 1, रमाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्र शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है। राइट ऑप्शन ऑप्शन 3, पितरी। नेक्स्ट, एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, ई ऊ री और ली। नेक्स्ट है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। सही जवाब ऑप्शन 2, 14। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं, ड का उच्चारण होता है। राइट ऑप्शन 4, मूर्धा। नेक्स्ट, चोर भयम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है। सही जवाब है ऑप्शन 1, पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितरन शब्द में विभक्ति और वचन है। राइट ऑप्शन ऑप्शन 2, द्वितीय एक वचन। नेक्स्ट है, नद्य शब्द में विभक्ति और वचन है। सही जवाब है ऑप्शन 1, प्रथमा बहुवचन। क्षणवती हिंदी संख्या का बोधक है। सही जवाब ऑप्शन 3, 96। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76, भवत क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन है। सही जवाब है ऑप्शन 4, लोट मध्यम बहुवचन। नेक्स्ट है, सर्वनाम शब्द नहीं है। सही जवाब ऑप्शन 1, अपि। नेक्स्ट है, स्वस्ति पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति है। राइट ऑप्शन ऑप्शन 2, चतुर्थी। नेक्स्ट है, कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार हैं। सही जवाब ऑप्शन 3, बाण भट्ट। नेक्स्ट है, महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है। राइट ऑप्शन ऑप्शन 1, मालविकाग्निमित्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, व्यंजन संधि का उदाहरण है ऑप्शन 1, सज्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। सही जवाब है ऑप्शन 1, वयम। नेक्स्ट है, धीर धातु में किन प्रत्यय का योग करने पर रूप बनता है। सही जवाब ऑप्शन 1, धृति। नेक्स्ट है, छंदानुगत शिक्षक प्रणाली होती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन 2, पद्य की। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य है तो शुद्ध वाक्य क्या है। सही जवाब है ऑप्शन 4, त्वं गृहं गच्छसि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, वने अपि पदे कः संधि। सही जवाब है ऑप्शन 3, पूर्व रूप। नेक्स्ट है, नीति मार्ग के न परि
लंगयंती, सही जवाब ऑप्शन वन कुलीना। नेक्स्ट है 88, तत्रेव में संधि है। नेक्स्ट है ओ आंसर है ऑप्शन वन वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या होती है। सही जवाब ऑप्शन फोर थ्री चार, ऑप्शन थ्री सही है जिसका आंसर चार है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है संस्कृत पाठ का अनुरूपम में समास है। सही जवाब है ऑप्शन वन अव्ययी भाव। तो फ्रेंड्स यहाँ संस्कृत पाठ के आंसर की समाप्त होती है। आई होप आपके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही गए हों और आप सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो पाएँ। तो बने रहिए, सभी जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। बने रहें मेरे चैनल के साथ, ऑनलाइन स्टडी के बाइट्स के साथ। सीटेट, केवीएस, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की से संबंधित कोई भी जानकारी होगी आप तक ज़रूर पहुँचेगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।